शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। रुक जा भाई। भाई हाँ, मैं तेरा भाई किशन, किशन, हाँ किशन, मैं ही वो इंसान हूं जिसकी गुनाह की परछाई तेरी साफ सुथरी जिंदगी को मैला कर रही थी। नहीं किशन, किशन, तू और माँ कहाँ बिछड़ गए थे? अरे बिछड़ते तो इतना अफसोस नहीं होता, उस दरिंदे ने हमें अलग कर दिया, हमसे हमारा बचपन छीन लिया, हमारे बाप को मार डाला, हमारी माँ को। उन हरामजादों को छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर डालूंगा, मार डालूंगा सालों को। तू फिक्र मत कर, इस जंग में तू अकेला नहीं है। अरे मैं हूं ना, तेरा किशन अभी तक जिंदा है, तेरे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, मां के एक एक जख्म को महसूस कर रहे थे। आज तक ये मेरी जिंदगी बेमकसद और बेमतलब थी, लेकिन अब मुझे जीने का मकसद मिल गया। जिन लोगों ने मेरी मां को विधवा बनाया, जिन्होंने मेरे भाई से उसकी आंखों की रोशनी छीन ली, जिन्होंने हमारे पिता को वक्त से पहले हमसे जुदा कर दिया, एक एक दर्द का हिसाब चुकाना उन लोगों से। जरूर लेना मेरे भाई, जरूर लेना हिसाब, लेकिन तू शायद ये भूल रहा है इस रास्ते की मंजिल क्या है। फांसी या मौत, बस। किशन, मैं तुझे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, मैं तो वैसे ही अंधा हूं, मां पर बोझ हूं, बड़ी मुश्किल से मां को बुढ़ापे का सहारा मिला है। तू क्या चाहता है, मां से ये सहारा छिन जाए? हां जय, मां के चेहरे पर बेटे की जुदाई का जो गम है, उससे कई बड़ा गम उसने अपने सीने में छुपा रखा है, अपने पति की मौत का गम, बाप का इंतकाम। अगर बेटे ने ना लिया तो उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। नहीं किशन, नहीं, चल चल तू घर चल, मां तुझे देखकर बहुत खुश होगी, चल। नहीं भाई, मां मुझे देखकर खुश नहीं होगी, बल्कि अपने हाथों से मेरा गला घोट देगी। ये क्या कह रहे हो तुम, कहीं कोई माँ भी अपनी औलाद को? तुम माँ को नहीं जानती आशा, वो मुझ जैसे चोर की शक्ल से भी नफरत करती है। कितना बदनसीब हूं मैं, चार कदम पे माँ खड़ी है और उससे मिल भी नहीं सकता। किशन, माँ तुझसे नफरत करती है ना, लेकिन मुझसे नहीं। क्या मतलब, तू जय बनकर लाखों के जेवर चुरा सकता है, माँ का दिल नहीं चुरा सकता? हाँ, इसका मतलब मैं जय बनकर, हाँ ये ले, ये मेरा चश्मा ले, मैं मां को मिल सकूंगा, मैं मां को मिल सकूंगा। मां, मां। अरे आ गया तुझे, कहां गया था इतनी सुबह? तुझे याद है ना आज तेरा जन्मदिन है? सब याद है मुझे, इसलिए तो आया हूं। तो चला तेरी नजर उतार दूं, चल। बैठ बेटा। मां, आज किशन का भी जन्मदिन है ना? मां, हाँ, ये ले, ये खा ले। मां, तेरी आंखों में आंसू? तू कैसे देख लेता है मेरे आंसू? अंधा हूं तो क्या हुआ, महसूस तो कर सकता हूं। मां,
एक बात पूछूं, अगर वो चोर तेरा किशन निकला तो क्या उसे माफ कर देगी? माँ ने न चाहते हुए भी हमेशा औलाद को माफी किया है, लेकिन कानून, कानून किसी की माँ नहीं है, किसी का बेटा नहीं है। कानून तो उसे सजा देगा ही, और किशन हमें मिलेगा तो सही, लेकिन फिर भी बिछड़ जाएगा। नहीं माँ, इस बार जब किशन मिलेगा ना तो कभी नहीं बिछड़ेगा। न जाने वो कब मिलता है मुझसे। ये आप उनका कालिया शिर के बड़ा साला शहंशाह बनकर चैलेंज देकर गया था कि उस छोकरे को खीसे में डालकर आप उनके पास में भेजेगा। क्या कहा था ना? पन हुआ क्या? साला वो छोकरे ने इसको ही खीसे में डालकर अब उनके पास में पार्सल भेज दिया। इसमें तुम लोगों को चोट नहीं लगा, आंतिया को चोट लगा है। सारा इज्जत मिला दिया तुम लोगों ने मट्टी में आंतिया का। वो इसलिए बापू कि अभी इसका अंदर वो पहले जैसी मरद वाली बात नहीं रही ने। ए फुटर मल, तू ज्यादा फुटर फुटर मत करना, वरना कालिया ने तेरे को एक फटका दिया ना तो तू कलिंगर की तरह फटकर इसके हाथ में आ जाएगा, समझा? कालिया, आज अपन का माल मर पे उतर रहा है, तू उसको संभाल, मैं साला उस टपोरी को संभालता। जय, अनीता, जय कहाँ है? मैं यहाँ हूँ किशन। जय, परसों बाद आज माँ से मिला, पहली बार पता चला माँ की ममता क्या होती है। जी तो चाह रहा था कि माँ को अपने आंखों से अलग ना होने दूँ, उसके पास ही रह जाऊँ। अरे तो रह जाना किशन, यही तो मैं चाहता हूँ, तू माँ की सेवा करे, उसके पास रहे, ताकि मैं उन पापियों का सर्वनाश कर सकूँ। नहीं जय, नहीं, उन तीनों को मैं मिटाऊंगा। अरे तीन कहाँ है किशन, अब तो दो ही रह गए हैं। दो? दो कैसे? शिरके की रगों में बहता हुआ खून मेरी तलवार पर ठंडा होकर जम भी चुका होगा। इसका मतलब तुमने? हाँ किशन, जिस रास्ते पर तू चलने की सोच रहा है मैं उस रास्ते पर पहले ही चल चुका हूं। मैं तो अपने हाथों को खून से रंगी चुका हूं, तू क्यों अपने हाथों को गंदा करना चाहता है? तेरा मतलब मैं बुजदिलों की तरह मुंह छिपाकर जीऊं और तू फांसी के तख्ते पर चढ़ जाए? अगर तू भी मेरे साथ फांसी के फंदे पर चढ़ गया तो मां का क्या होगा? सोचा है कभी? सोचा तूने? एक छोटा सा दिया जलाकर अगर कमरे में रोशनी आ जाती है तो पूरा घर जलाकर कोई फायदा नहीं होता। जय, तुमने अपने भविष्य के बारे में तो फैसला कर लिया, माँ और मेरे खुशी के बारे में सोच लिया, लेकिन कभी लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो बस। जय, तुम्हारी पीठ पे खून? शिरके का होगा। तो फिर सबसे पहले इस कमीज को जला दो, वरना पुलिस के कुत्ते सूंघते सूंघते तुम तक जरूर पहुंच जाएंगे। हाँ जय, इसे फौरन जला दो। ठीक है, इस शर्ट को जला देते। अरे, मेरा लेटर कहाँ? सर, ये लाइटर तो उसी अंधे लड़के का है। कौन अंधा? वही जो ज्वेलरी केस में इन्वॉल्व है सर, यू रिमेम्बर? आर यू श्योर? 100% सर, मैंने खुद अपनी आंखों से ये म्यूजिकल लाइटर उसके हाथ में देखा है। लिसन टू इट। ओह आई सी। अरे तू उसको क्या बोलता? मेरे को बोलना, मेरे को। किस साले छोकरे का लाइटर है ये? आप उन साला अक्खा बंबई छान मारेगा और उसको ढूंढ निकालकर इधर ही कवर बनाएगा। इधर अंत्या, कानून आपके बाप का नौकर नहीं कि आपके दिल में जो आप करते रहे और वो आंखें बंद किए देखते रहे। अरे क्या करेगा तेरा कानून? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखता रहेगा। अब जो भी करना होगा ना मैं करेगा। मैं कानून से आज तक ना कोई बचा है और ना बचेगा, चाहे वो शिरके का कातिल हो चाहे वो प्रताप सिंह का, समझे?
मिस्टर जय, सिगरेट? जी मैं सिगरेट नहीं पीता। ओह आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि आप सिगरेट नहीं पीते। लेकिन आपको वो लालटेन तो याद होगी जो आप, मेरा मतलब दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए सदा अपने पास रखते हैं। जी लालटेन? मेरा मतलब आपके लाइटर से है। जी लाइटर। मिस्टर जय क्या हुआ, कहीं आपका लाइटर खो तो नहीं गया? या हो सकता है कि आप कहीं भूल आए हो? भूल आया हूं। तुम ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, इस वक्त तुम्हारा लाइटर मेरे पास है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये मुझे शिरके की लाश के पास से मिला है। चाहिए सब? मैं तुम्हें शिरके के मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार करने आया हूं। यस मिस्टर चाय, एंड आई मीन इट। जरूर गिरफ्तार कीजिएगा इंस्पेक्टर सिरसट, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले आप अपनी ये सिगरेट चला लें। तुम क्या समझते हो कि तुम लाइटर बदलकर कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हो? नो मिस्टर जय, नो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं और गिरफ्तार करके ही जाऊंगा, क्योंकि यह समुराय मेरी आंखों के ठीक सामने है जिससे शिरके का कत्ल हुआ था। हो सकता है समुराय से शिरके का कत्ल हुआ हो, लेकिन इस वक्त इस समुराय पर आपकी उंगलियों का निशान। क्या हुआ, आप तो ऐसे घबरा गए जैसे कत्ल आप ही ने किया। जय ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ, उन तीन दरिंदों में से शिरके का कत्ल हो गया, और कमिश्नर साहब समझ रहे कत्ल मैंने किया। शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि ये कत्ल तुमने ही किया है। तो ठीक है, जाकर सबूत और गवाह की फाइल तैयार कीजिए, और जब तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। जय मैं आकर हाजिरी दे दूंगा। जा रहा हूं, मगर एक बात याद रखना कि कानून अगर कातिलों का दुश्मन है तो तुम्हारा भी दोस्त नहीं। बेटे तू ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहा है ना जो तुझे नहीं करना चाहिए? नहीं माँ। बोल। वो माँ। नहीं माँ जी, आपका बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जो एक बेटे को नहीं करना चाहिए। अरे बापू बापू, ये तमेरे देश में क्या हो रहा है मेरे बापू? पोटरमल जी हाँ। मैं यहाँ हूँ, जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। अरे इसका बात छोड़ो, इसका तो दिमाग फिरेला है। अपन तुमको ये पूछने को आया है, उस छोकरे को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जिसका लाइटर शिरके के लाश के पास में मिला था? ये लाइटर उसका नहीं, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं। तुम किसके बारे में सोचता है? इंस्पेक्टर विजेंद्र प्रताप के बेटे के बारे में। बापू ये नाम तो पहले सुना हुआ लगता है। सुना ही नहीं, उस आदमी को आप दोनों अच्छी तरह जानते भी थे। आज से 20 साल पहले उस इंस्पेक्टर ने